भाई साहब अभी निकल रहे हैं हम लोग बेटे के साथ एक जगह। भाई अभी आधे रास्ते पहुंचे हम, तुम देख सकते हो सामने वाटरफॉल। भाई बड़ी मेहनत से इसके लिए ट्रैकिंग करी है। तो भाई इन गर्ल्स फाइनली लोग पहुंच चुके अपनी डेस्टिनेशन पे भाई वाटरफॉल पे। यहाँ पे कितना ठंडा ठंडा लग रहा है। ये अपना भाई अपनी पोशाक पहन के हो रहा है रेडी। उसकी धोती खुली है वहाँ पे। लड़कियों के सामने धोती खुली है भाई। भाई चल रहा है अपना वर्कआउट। दोनों भाई बॉडी बिल्डर। तो जी स्वागत है आप लोगों का मेरी जिंदगी के कौन नए दिन। और भाई आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अपने ब्रेकफास्ट के साथ। बहुत दिनों बाद अपने खाने को मिला है भाई यहाँ पे दाल के पराठे उसके साथ चाय। और भाई आप सभी को मेरी तरफ से नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से भाई नवरात्रि शुरू हैं और आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम जा रहे हैं भाई एक देहरादून की ऐसी हिडन लोकेशन पर जो आप में से बहुत सारे लोगों ने देखी होगी बट रास्ता वस्ता नहीं पता होगा और बहुत सारे लोगों ने नहीं भी देखी होगी। तो आज वहाँ पे जाएंगे। और भाई मैंने भी नवरात्रि रखे हैं, लास्ट के दो फास्ट रखे हैं। वैसे तो मैंने सारे रखने का सोचा था बट मम्मी ने बोला भाई लास्ट के दो रखो, तो मैंने कहा चलो भाई ठीक है लास्ट के दो रख लेते हैं। बाकी भाई आज आ चुके हैं अपने फेवरेट दाल के पराठे। बहुत बहुत लंबे टाइम बाद मैं ये खा रहा हूँ। बहुत टाइम बाद बनाए मम्मी ने। क्यों मम्मी जी? मैं कह रहा बहुत लंबे टाइम बाद बनाया आपने ये दाल के पराठे मक्खन के साथ। बाकी भाई ब्रेकफास्ट कम्प्लीट करते हैं, उसके बाद एडिटिंग करनी है, एडिटिंग करके वीडियो अपलोड करेंगे, उसके बाद जाएंगे फिर आज से कम्प्लीट करते हैं। भाई साहब अभी निकल रहे हैं हम लोग बेटे के साथ एक जगह। बेटे कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं PPCL। PPCL जा रहे हैं, काइंड ऑफ हिडन लोकेशन है देहरादून की। बाकी भाई जा क्यों रहे हैं बेटे, ये इंपॉर्टेंट काम है, बताओ जल्दी। हम शूट पे जा रहे हैं, रील शूट कर रहे हैं एकदम। तो भाई अपने बेटे ने स्टार्ट करा है एक नया काम जो कि है, बता दिया है शायद पहले। अभी एक काम करते हैं, आज थोड़ा सा सस्पेंस बनाएंगे जिन जिनको नहीं पता, जो जो नई ऑडियंस है उनके लिए काम वही बढ़िया लोकेशन पे जाके बताएंगे। एक माहौल बना के हैं, माहौल कैसे बनेगा वो तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। बाकी निकलते हैं फटाफट से घर से। तो भाई साहब घर से तो हम निकल गए थे और ऐसी कुछ जगह पे भी हम पहुंच चुके हैं, पूरा जंगलों के बीच। भाई अभी भी हमारी डेस्टिनेशन ठीक ठाक दूर है। और भाई ये हेलमेट मुझे पता है मेरे को बहुत ही बेकार लगता है बट भाई ये सेफ्टी के लिए है बस लगा हुआ है। बाकी तुम यहाँ खेत देखो यार, नीचे खेत क्या ही प्यारे लग रहे हैं। है बेटे? हेलो गाइस। कैमरा कॉन्शियस। हाँ भाई बता, ABCD सुनाइए। चलो भाई यहाँ से चल रहे हैं, अब तुम्हें दिखाएंगे लोकेशन इन 3, 2, 1। भाई अभी आधे रास्ते पहुंचे हम। एक चीज सोच के ना मेरी हाल खराब हो रहे हैं कि ये पत्थर देख रहे हो कितना बड़ा, बेटे इसके पास जाके खड़े हुए यहाँ पे, वीडियो में पता नहीं चल रहा है कितना बड़ा है। ये देख लो बेटे का साइज देखो, इस पत्थर का साइज देखो, इस पत्थर का साइज देखो भाई। और ये सबसे छोटे पत्थरों में से एक है जो यहाँ पे बह के आया था उस टाइम पे जब बाढ़ आई थी। कब आई थी? मैं बादल फटा था, सॉरी, जब तूने YouTube स्टार्ट करा था उस टाइम, मतलब करीब 1.5 साल पहले की बात है, डेढ़ या दो साल पहले की बात है। पर जो बात है हमें तो मजा आ रहा है यहाँ पे क्लाइंब करने में थोड़ा सा। वहां से आ रहे हैं हम, वहां दूर से वो रिसोर्ट दिखाया था तुम्हें याद है, वहां से यहाँ तक अभी 1 किलोमीटर चल चुके हैं और पता नहीं कितना चलना है। वो देखो सामने चलते भाई, तुम्हें दिखाएंगे वाटरफॉल तगड़ा वाला। ओए मिल ले तो रुक जा यार, रात को आ जाओ मजा आ जाएगा। क्या जो ऑफ कैमरा तो बोलता वही बोलना, क्या सो रहा है जंगली? हाँ जंगली सो रहा था भाई रात को। ना भाई यहाँ पे अपने मयंक भाई नहीं आते। भाई वो देखो वो दिख रहा वाटरफॉल सामने, अगर तुमको दिख रहा हो जूम करके। अभी हम यहाँ हैं, आए हैं हम वहां से, पता नहीं कहाँ कहाँ ले जाता है ये। मैं सोच रहा हूँ मैंने यहाँ पे आने के लिए हाँ क्यों बोला, बड़े तेरे पापा को बताऊंगा ये ब्लॉग में तो देख ही लेंगे। इनने कभी ये नहीं दिखाया होगा, इनने खाली लोकेशन दिखाई, इनने रास्ता नहीं दिखाया होगा, मैं दिखाऊंगा रास्ता। अंकल अंकल जी नमस्ते, वीडियो तो आप देख ही रहोगे। चलो अब थोड़ा सा डर तो लग रहा है बट कोई नहीं भाई। सामने पत्थर देख भाई तू। भाई एंकर की ये बादल के अंदर से आते हैं क्या? अबे भाई जब पानी आया फोर्स से जितने भी पहाड़ पूड़ के रास्ते पे सब आए मलबा। अच्छा बादल के अंदर पत्थर कहाँ से आएगा भाई? हाँ वही मैं भी सोच रहा था। नहीं तूने बोला था ना बादल फटने से पत्थर आए, बादल फटते मतलब बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। ओ भयंकर, ऊपर देख मतलब जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पे ऐसा ग्रीन ग्रीन पहाड़ हुआ करता था पहले। ये कभी भी कोलैप्स हो सकता है। चल वापस चल यहाँ से, अबे अभी टनार लेनी है भाई मैंने। साला पहाड़ों में तो पड़ गया टनार कहाँ जाएगी। चलो अगर अबे ओ यहाँ पे आना मना तो नहीं है, खैर दुकान दुकान खुली हो मना तो क्यों ही होगा। खैर मैं वीडियो डाल रहा, पुलिस ढारी मुझे घर से, अच्छी बात है यार, अलाउड है ना जाना। अबे सीधे रास्ते चलना, सीधे रास्ते नीचे की उतर रहा खाई में, इधर से चलना। अबे ले ऊपर से गदा लेके चल रहा है, मेरी बैग में हालत खराब हो रही है।
तू कितनी बार आ चुका है यहाँ पहले? और हाँ भाई, इसी बात पे भाई का जो पेज है, ओए पेज का नाम बताइयो। हाँ तो भाई, भाई का पेज नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, यहाँ पे सामने भी आ रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है और करवा रहा है, जाके फॉलो करो। अपना जो इंडियन एंशिएंट एक्सरसाइजेस है वो ये कर रहा है और सिखा रहा है ऑनलाइन, अगर किसी को चाहिए। जैसे ये इसने भी हाथ में गदा लिया हुआ है, ऐसे मुकदर गदा सब कुछ है, अगर किसी को चाहिए तो भाई इसको कॉन्टैक्ट कर सकता है इसके इंस्टाग्राम पेज पर। गारंटी मेरी है, सामान बढ़िया मिलेगा और ट्रेनिंग अच्छी मिलेगी। सिर्फ दोस्त है इसके लिए ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, काम सच में जेन्युइन है। अभी तो मैं आगे चल के इसका गदा और इसकी पोशाक दिखाऊंगा। अबे जो धोती पहनेगा तू, पोशाक के बच्चे, मैं नहीं आऊंगा दोबारा, ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइम है भाई। मुझे पता होता है इतना खतरनाक ट्रैक है मेरा, आता मजा तो आ रहा है, लेकिन ये सुबह वाली जगह है, पता है सुबह वाली जगह है। हाँ, दिन में लेके आया है। हाय हाय हाय, वो भयंकर की पेड़ है। अब चल मुझे कुछ नहीं खिंचानी, तो फूट निपटा भाई साहब। अभी मैं यहाँ पे बिज्जू को बहुत मिस कर रहा हूँ, काश अगर बिज्जू होता ना मयंक अपना, खैर बिज्जू ही समझो तुम लोग उसको। लेकिन हाँ तो भाई, वो होता ना यहाँ पे, अगर वो बोलता तू बेटे मेरे से 2 फीट दूर चल, उसकी उसको इतना डर लगता है ना मेरे साथ ऐसी जगह पे चलने में कि मैं उसे धक्का धुक्का मार दूंगा। एक बार हम पता है कैसी जगह पे थे, इतनी ऊंचाई होगी जितना पेड़ है, हम ऐसी ट्रैक कर रहे थे, अब इतनी ऊंचाई पे वो लटका हुआ, मैं उसके पीछे, वो कह रहा मुझे जल्दी चल जल्दी चल, ठीक है मैंने कहा चल रहा हूँ, कह रहा मेरे पीछे पीछा, मैंने यूं मारी लात उसको, इतनी ऊंचाई से दौड़ गिरा नीचे। इसके साथ तो अलग ही अलग लेवल के कांड करे भाई, इसे पता नहीं कहाँ कहाँ से कहाँ कहाँ फेंका हुआ। नेक्स्ट टाइम इसे लेके आएंगे यहाँ पे, फिलहाल वाटरफॉल चलते हैं अब फटाफट से। सामने ही है बस, अब ज़्यादा दूर भी नहीं है, 3x में ही दिख जाएगा तुमको वो, देखो। लेट अस गो। जस्ट इमेजिन भाई, जब यहाँ पे वो सब आया होगा ऐसा बादल बुदल फटा होगा, लाइव मंजर जो चल रहा होगा क्या खतरनाक होगा, इतने बड़े बड़े पत्थर इधर उधर जा रहे हैं। आबादी आबादी आ गई थी, हाँ आपदा। आज मैंने सही जूते पहने, अच्छा हूँ मैं राइडिंग बूट्स नहीं पहन के आया, जो मैं लोकल में पहनता हूँ ब्लैक वाले। मज़ा तो भाई आ रहा है यहाँ पे, गर्मी अलग चल रही है, ऊपर से पानी भी नहीं लगा गदा। चल चल मैं साफ पानी यहाँ से चलना है। अबे बता तो दे जाने से पहले। अरे भाई मज़ा आ रहा है। तो भाई साहब ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं, मैं नहीं आऊँगा दोबारा इसके साथ यहाँ पे, मजाक वाली बात है भाई, बिल्कुल आऊँगा। और ये तुम देख सकते हो सामने वाटरफॉल भाई, बड़ी मेहनत से इसके लिए ट्रैकिंग करी है, बहुत दूर भाई, जितनी दूर नज़र जा रही है वहाँ से आए हैं। बाकी बीच बीच में और भी लोग दिख रहे हैं यहाँ पे, अब चल रहे हैं बिल्कुल लोकेशन पे। भाई कैसा रास्ता है भाई, ये डरावना नहीं लग रहा वीडियो में देख के, मैं खुद भी वीडियो में देख रहा हूँ ना, 1% डरावना नहीं है एक्चुअल में, बोलना नहीं चाहता बस मैं, बहुत डेंजर है भाई। अब चलते हैं उधर। So boys and girls, finally लोग पहुंच चुके अपनी डेस्टिनेशन पे भाई, वाटरफॉल पे। यहाँ पे कितना ठंडा ठंडा लग रहा है भाई, बढ़िया है भाई। बस एक चीज अच्छी नहीं लग रही, लोगों ने यहाँ पे भी गंदगी फैला रखी है, पानी हाथ लगा के देखो कैसा है, वो धक्का दुक्का मत दिया यहाँ पे, ठीक है नहीं तो वहाँ झंडे में देख के आऊंगा तेरे को। ओ भाई चिल्ड वाटर बिल्कुल, बहुत मजा, ऐसा होता है जैसे फ्रिज का पानी मान लो ऐसा पानी है, बहुत ठंडा है भाई। मन तो कर रहे हैं यहीं पर पानी में कूद मार दूं, बट फिर अगर पानी में कूद मार दिया इतना थक जाएंगे कि वापस नहीं जा पाएंगे। चलो भाई करते हैं इसका शूट। आए हाय हाय, तो बॉयज अब चल रहा है अपना शूट, ये लग चुका है कैमरा, ये अपना भाई अपनी पोशाक पहन के हो रहा है रेडी, और उस जगह पे खड़ा होगा, बाकी देखते हैं कैसे शॉट्स आएंगे। लक्सी उसकी धोती खुल गई वहाँ पे, लड़कियों के सामने धोती खुल गई भाई। वहाँ से शूट करके वहाँ जा रहा था, और उधर लड़कियाँ बैठी हुई है, उधर जाके खुल गई उसकी धोती धोती चलो भाई शूट हो चुका है भाई, बैठे हैं कंप्लीट, अब निकल रहे हैं यहाँ से। आवाज़ मेरी बहुत कम आ रही होगी, शूट तो हो गया है, बस अब निकल रहे हैं यहाँ से फटाफट से, वापस से वही ट्रैकिंग करनी होगी जाने के लिए भी, चलते हैं। बाकी मज़ा आया वो देखो ऊपर। So boys and girls, अभी निकल चुके हम लोग वापस के लिए, वाटरफॉल को पीछे छोड़ दिया और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। बाकी अभी तुम देख सकते हो जिस पत्थर पर हम दोनों खड़े हैं, ये पत्थर है पूरा, कितना बड़ा पत्थर है। और एक चीज तुम इमेजिन करो कि भाई ये पत्थर ऊपर से तुम्हें इतना बड़ा दिख रहा है, अब तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, ये यहाँ से देखो, सोचो ये अंदर कितना होगा, है डेप्थ दिख रही है,
ये देखो भाई कितना नीचे तक है, कितना बड़ा पत्थर है। वीडियो में 1% पता नहीं चल रहा बट एक्चुअल में सच में बहुत बड़ा है। बाकी अब जिससे पहले अंधेरा उससे पहले हम यहाँ से खिसक लेते हैं फटाफट से। तो भाई वहाँ से हम लोग घूम घूम के आ चुके हैं, अब ऑलमोस्ट उधर पे हमारी गाड़ी खड़ी है। बाकी अभी एक यहाँ पे हम लोग रुके हुए थे इस रेस्टोरेंट पे, बढ़िया यहाँ की मैगी वैगी भाई भाई तुमको मिल जाएगी यहाँ पे। भाई मैगी खिला दोगे सबको? हाँ जी। पक्का? हाँ जी। अच्छी वाली? हाँ जी। हाँ तो भाई यहाँ पे मैगी मिल जाएगी, और क्या मिल जाएगा भाई? सभी चीज लगभग फास्ट फूड की, सभी कुछ, मोमोज, चाउमीन सब, सब कुछ मिल जाएगा भाई यहाँ पे। इधर स्टार्टिंग में तुमको दुकान मिल जाएगी, आगे PPCL ना माउंटेन व्यू पूरा, ठीक है, यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा, यहाँ पे तुम खा पी सकते हो। बाकी इधर पे अपना रास्ता है जहाँ से हम होके आए थे, हमने भी बैठे रिफ्रेशमेंट लिया, थोड़ा बहुत पानी वानी पिया, अब चलते हैं फटाफट से घर भाई। ये देखो भाई ये बच्चा पकड़ेगा बकरी का, कह रहा जौन सा प्यारा था वो दे दो, वो तो कह रहा भाई सारे ही प्यारे हैं। इतना छोटा है ये देखो भाई बकरी, बकरी है बकरा है? बकरे हैं दोनों, बकरे हैं भाई दोनों। ये देखो क्यूट 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 मस्त है भाई, मैंने पहली बार पकड़ा बकरा हाथ में, डर थोड़ जाएगा मुझे उससे। चलो भाई बाय बाय। तो भाई दिन घर आ चुके हैं और थोड़ी देर में चलेंगे जिम, बाकी ये आ गया इसका हेलमेट। चलो भाई मिलेंगे सीधा जिम में। तो भाई जिन गर्ल्स घूम फिर के हम लोग आ गए थे भाई, बाकी अब निकल रहे हम लोग जिम। जिम जाने से पहले जाएंगे मंदिर, क्योंकि भाई आज है ट्यूसडे अपने बजरंग बली जी का दिन, तो फटाफट चलते हैं पहले मंदिर जाके मत्था टिकाते हैं, उसके बाद करते हैं जिम शिम। भाई जिम पहुंच चुके हैं, मंदिर में कर लिए दर्शन, और ये रहा बेटा जय श्री राम, जय श्री राम। चलो भाई ओहो, आज तो हमको जिम में ऊपर आते ही यार तू तो सुंदर कैसे लग रही है आज, तू तो सुंदर लग रही है, सही बात, हैप्पी अप्रैल फुल डे। भगवान भाई चल रहा अपना वर्कआउट, तुम्हारे भाई के 18 घंटे वाले चेक करो बॉयज, 18 घंटे हो जाए बेटे भाई साहब फ्लैक्स सर कितना तो है, करना जल्दी कर, साथ में ट्रांसफॉर्मेशन दिखाएंगे जल्दी अपनी शोल्डर के साथ कर ले। ये देखो बॉयज कैसे लग रहे बताओ कमेंट सेक्शन में, ये दोनों भाई बॉडी बिल्डर, बॉडी बिल्डर मस्त आ रहा भाई। चलो फटाफट निपटाते हैं चलते हैं भाई। तो भाई गर्ल्स जिम हो चुका है कंप्लीट, और भाई इसने बजवा दिया आज यहाँ पे 10, तुम्हें विश्वास ना हो रहा हो, दिखवा दूँ यहाँ पे घड़ी है, थोड़ा अंधेरा हो चुका है बट ये भाई 10 बज चुके हैं, अब निकलेंगे भाई फटाफट से घर, बड़ा ही तगड़ा रहा आज का दिन, पहले ट्रैकिंग फिर जिम, चलो भाई घर चलते हैं डाइट लेते हैं। सो बॉयज एंड गर्ल्स आ गए हम लोग जिम विम निपटा के भी भाई, और अभी चल रही थी अपनी एडिटिंग, अब फटाफट से इसको एडिट करके पोस्ट कर देंगे, आप लोग देखना एंजॉय करना, और भाई वीडियो पसंद आएगी तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो भाई कर देना सब्सक्राइब, और बिल्कुल भी मत भूलना भाई बेल आइकन को ऑल पे करना, तभी आप लोगों को सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल पाएंगी। बाकी भाई आने वाली वीडियोज़ में कुछ धमाल होने वाला है, क्या धमाल होने वाला है वो तो आपको आगे ही पता चलेगा, सो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को। बाकी भाई एक कमेंट जरूर से ड्रॉप कर देना कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आप एक कमेंट ड्रॉप करते हो तो उससे देखो हमको मोटिवेशन तो मिलता ही है, प्लस भाई वीडियो की रीच बढ़ने में हेल्प होती है, तो एक कमेंट जरूर से कर देना। बाकी हम लोग मिलते हैं एक नए दिन के साथ, एक नए तड़कते भड़कते कुछ अमेजिंग से ब्लॉग के साथ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड बी सेफ।